जनपद में सोमवार को चरगावां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के 3,253 और 45 साल से ऊपर के 4,408 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 3,708 और सेकेंड डोज लेने वालों में 700 लोग शामिल रहे। नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरगावां के प्रभारी डॉक्टर धनंजय कुशवाहा ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए नागरिक अपना स्लॉट बुक करता है तथा स्लॉट बुक होने के बाद नागरिकों को उनके वैक्सीनेशन केंद्र व दिन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो जाती है, साथ में ओटीपी मिलती है। उस ओटीपी को लेकर नागरिक स्वास्थ्य केंद्र पर आता है तथा ओटीपी को कंप्यूटर से मिलान करके उनका कार्ड भरकर उनका वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन के बाद नागरिकों को प्रतीक्षालय रूम में 30 मिनट प्रतीक्षा करनी होती है और 30 मिनट प्रतीक्षा के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पर उनको जाने दिया जाता है। उन्होंने बताया कि नागरिकों को किसी तरह की कोई दिक्कत होने पर उनके लिए अलग से डॉक्टर की व्यवस्था की गई है जो उनका इलाज करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरगावां के प्रभारी चिकित्सीय अधिकारी डॉक्टर धनंजय कुशवाहा ने कहा। मेरा नाम डॉक्टर धनंजय कुशवाहा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरगावां गोरखपुर। जो 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। यहाँ पे किस तरह की सुविधा लोगों को दी जाएगी, किस तरह वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले लाभार्थी अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आता है और अपना ओटीपी कोड बताता है। उस ओटीपी को हम अपने कंप्यूटर से वेरीफाई करते हैं। उसके बाद कार्ड फिलअप किया जाता है। उसके बाद कार्ड पे वैक्सीन का डिटेल भरा जाता है और डिटेल भरने के बाद वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में उनको रखा जाता है आधे घंटे तक। अगर किसी को कोई दिक्कत है उसके लिए क्या व्यवस्था है? दो तरह की दिक्कतें होती हैं। एक दिक्कत है कि अगर किसी को कोई इमीडिएट प्रॉब्लम होती है तो एनाफाइलेक्टिक किट एनएम के पास रखी रहती है, और दूसरा मैनेजमेंट होता है अगर वेटिंग एरिया में जाने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए AEFI मैनेजमेंट के लिए हमारे पास डॉक्टर की टीम है और वहाँ पे मेडिसिन रखी रहती है।